सो गाइस, आज का वीडियो फेस स्मूथ के ऊपर होने वाला है। गाइस, अब लोग तो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर एंड स्नैपचैट ऐप के अंदर फेस स्मूथ करना सीख चुके हैं, लेकिन गाइस आज मैं आप लोगों को एक न्यू तरीका बताऊंगा एंड न्यू एप्लीकेशन दूंगा जिसके मदद से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से फेस को स्मूथ एंड गोरा कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो पर आप लोगों को बेसिकली फेस स्मूथ के ऊपर ही जो टिप्स है वही देने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को फुल्ली देखना, वीडियो में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। एंड गाइस, एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, आप लोग जाकर बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, और चलिए वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम ए है। सो गाइस, इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा, आर्ट फ्लो। सो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद गाइस ओपन कर लेना है। सो गाइस, मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर एक डॉट वाला आइकॉन है, इसके अंदर टैप करना है और यहाँ से आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। सो गाइस, टैप करने के बाद आप लोगों को गैलरी में टैप करना है और फोटो को इनपुट कर लेना है, ठीक है। सो मैं जिस फोटो को एडिट करना चाहता हूँ उसको मैं इनपुट कर लेता हूँ। सो गाइस, नीचे आप लोग देख सकते हैं प्लस वाला आइकन, इसके अंदर टैप करना है और यहाँ से गाइस नीचे इनपुट, और यहाँ पर आप लोगों को फोटो मिल जाएगा। सो गाइस, जिस फोटो को आप लोग यहाँ पर लाना चाहते हो उसको ला सकते हो। सो मैं जिस फोटो को एडिट करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि मैं फ़ोटो को ऐड किया, फ़ोटो ऐड हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं गाइस। सो यहाँ पर आप लोगों को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइस, आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को नीचे जो सेटिंग है इसको आप लोग ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फेस स्मूथ होगा। सो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। एंड गाइस, साइज को अपने मुताबिक से, जो ऊपर वाला है ये साइज है, सो इसको आप लोग अपने मुताबिक से करना। एंड आप लोगों को जूम कर लेना है। इस ऐप पर बिल्कुल भी क्वालिटी घटेगा नहीं गाइस। सो कुछ इस तरीके से आप लोग फेस को स्मूथ एंड वाइट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फेस स्मूथ एंड वाइट हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना आसान है इस ऐप पर फेस स्मूथ करना। एंड अगर आप लोग गलती से फेस जो आई है कुछ इस तरीके का हो गया तो आप लोग कैसे रिमूव करोगे। सो गाइस, इसको रिमूव करने के लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। सो बैक आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ कर लेता हूँ गाइस। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं फेस बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया एंड कितना अच्छा लग रहा है अब फेस। सो गाइस, मैं इस तरीके से फेस को स्मूथ कर लिया। स्मूथ करने के बाद थोड़ा सा वाइट करूँगा, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर जो लेयर है इसके अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक एम्प्टी लेयर ले लेना है। उसके बाद गाइस, इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करिए और आप लोगों को यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। बनाकर गाइस, आप लोगों को डुप्लीकेट लेयर के अंदर टैप करना है और इफेक्ट पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट दिख जाएगा, इसके अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देना है। सो फेस वाइट हो जाएगा एंड आप लोग देख सकते हैं फेस वाइट हो गया। सो ओके पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद अगर आप लोग इसको मिटाना चाहते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर आप लोग ब्राइटनेस देना चाहते हैं उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं फेस वाइट एंड स्मूथ में कर लिया आप लोगों के सामने एंड कितना अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लो गाइस। सो इस ऐप पर आप लोग बहुत ही आसान तरीके से जो फेस है उसको स्मूथ कर सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके बताओ, और भी ऐसे न्यू ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी कमेंट करना। सो आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।